नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। सबसे पहले पंजाब की खबर। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि अकाली बीजेपी सरकार किसी भी समय चुनाव के लिए सामना करने के लिए तैयार है। लंबी हलके में संगत दर्शन कार्यक्रम के दूसरे दिन सीएम बादल ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में पार्टियां हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती हैं और शिरोमणि अकाली दल भी उन्हीं पार्टियों में से एक है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव हो वो उनका सामना करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री बादल के इस बयान ने सूबे की सियासत को गरमा दिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अकाली दल किसी भी पल विधानसभा चुनाव का सामना करने के लिए तैयार है। बकायदा सीएम ऑफिस ने प्रेस नोट जारी कर इस बारे में जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि अकाली दल बीजेपी गठबंधन किसी भी पल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। तय समय के मुताबिक विधानसभा चुनाव 2017 में होने जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान ने नई चर्चाओं को बल दे दिया है। मुख्यमंत्री के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या मुख्यमंत्री ये बताना चाहते हैं कि अकाली दल बीजेपी गठबंधन आज चुनाव हो जाए तो जीतने की पोजीशन में है? क्या मुख्यमंत्री का ये सियासी जवाब तमाम विरोधियों के लिए था, क्योंकि लगातार सरकार पर हमले हो रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री पंजाब इस बयान के जरिए पंजाब के मौजूदा हालातों को लेकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, या फिर अकाली दल चुनावों को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है? इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विरोधी कांग्रेस अभी पूरी तरह से एकजुट नजर नहीं आ रही, और ये भी हो सकता है कि अकाली दल कैप्टन को कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ज्यादा समय ना देना चाहता हो। आम आदमी पार्टी का काफिला भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और अकाली दल नहीं चाहेगा कि आम आदमी पार्टी को देहाती क्षेत्रों में अपनी जड़ें मजबूत करने का ज्यादा खुला मौका मिले, क्योंकि गांव देहात का वोट बैंक ही अकाली दल का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। सो मुख्यमंत्री के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जसविंदर बब्बर, जी मीडिया, मुक्तसर। अबोहर कांड पर सियासत जारी है। कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी के औरंगजेब वाले बयान पर सीएम बादल ने प्रतिक्रिया दी। सीएम बादल ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, और आपको बता दें कि जोशी ने अबोहर कांड मामले में सरकार पर सवाल उठाए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री बादल इन दिनों मुक्तसर में संगत दर्शन में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान उनसे अनिल जोशी के अबोहर कांड पर दिए बयान पर सवाल पूछा गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और पुलिस भी मामले में उचित कार्रवाई कर रही है। अर्जा जी 12-13 बंदे फड़े गए, मेरे ख्याल भी ज्यादा दूजे भी फड़े गए, सारे मुल्जम फड़े गए। कांड होते रहते जी, बड़ा माड़ा। मैं चंगा आता? कोई भी नहीं चंगा आता। बीजेपी के मंत्री अनिल जोशी को इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन उन्हीं के पार्टी के कुछ नेताओं को इंसाफ की काफी उम्मीद है और अबोहर कांड में सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। सीपीएस भंडारी के मुताबिक जोशी ने जो नाइंसाफी की बात कही है, पार्टी उस पर उनके साथ खड़ी है। साड़ी पार्टी ने भी इस चीज की बड़ी वड्डी निखेधी की है कि चाहे कोई भी इंसान होवे, किड्डा वड्डी मर्जी बड़ा होवे, जे कोई गलत काम करता है एज पर ला उन सजा मिलेगी। ਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰਾਜੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने कहा था कि अबोहर हत्याकांड जैसा अत्याचार तो औरंगजेब के राज में भी नहीं हुआ था। मुक्तसर से जसविंदर बब्बर के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। क्रिसमस के मौके पर पंजाब कांग्रेस को झटका लगा। पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने हाथ का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी की झाड़ू पकड़ ली, और आम आदमी पार्टी में शामिल होते ही सुखपाल खेरा ने बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। कांग्रेस के तर्कश का एक और तीर अब आम आदमी पार्टी की कमान में शामिल हो गया है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में सुखपाल खेरा ने आम आदमी पार्टी की पट्टी अपनी पगड़ी पर बांधी। अपने तेज तरार बयानों के लिए जाने जाते खेरा का कांग्रेस को अलविदा कहना कांग्रेस में सब कुछ ठीक है के दावों पर सवाल खड़े कर गया। खेरा ने उस तरीके से कांग्रेसियों को निशाने पर लिया जिस तरीके से वो कभी विरोधियों पर वार करते थे। ना तो नौजवानों को अकेले आने में कामयाब हुए, क्योंकि
अगर वो केवल एक स्टेट के लालच में उन्होंने सारी अपनी सोच विचारधारा प्रिंसिपल आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज़ कर ली। जिहड़े तीन प्रमुख आगू उन्होंने चुने ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, श्रीमती अंबिका सोनी और सरदार लाल सिंह, सारे 2017 में 75-75 साल के होंगे, तीन ही मुख लीडर इन्हों के। तो मैं यह भरोसा आ गया कि राहुल गांधी के हमने समर्था नहीं कि वो अपनी विचारधारा सोच जी कि हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स लागू कर सके। इन्हों चो कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सरदार लाल सिंह बहुत बुरी तरह टेंटेड ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह इज फेसिंग 3-4 वेरी सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन, यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट। लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम, इट रनज इनटू हंड्रेड ऑफ करोड़। दिस इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कैम ऑफ अमृतसर रनज इनटू हंड्रेड ऑफ करोड़। सुखपाल खैरा के पार्टी में शामिल होने से आप नेता खुश नजर आए और कहा कि खैरा जैसे नेताओं की पार्टी को जरूरत है। साडी पार्टी दे विच कोई समझ लो सारे सिपाही आ, सारे किसी के कोई स्टार नहीं लगे हुए। मैं बार बार ये गल कहना कि चंगे बंदियां दी हजे भी लोड़ है। पहले सीडी कंबोज और अब सुखपाल खहरा, कांग्रेस के इन दोनों नेताओं का कांग्रेस को कितना नुकसान होता है इसका तो पता नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी ये मुनाफे का सौदा नजर आ रहा है। मिशन 2017 के लिए झाड़ू दूसरी पार्टियों के बिखरे हुए तिनकों के साथ मजबूती का दम भर रहा है और मिशन पंजाब की सफलता के दावे कर रहा है। किसी ने कोई स्टार नहीं लगे हुए। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी के अलावा मिशन पंजाब की तैयारी जो है वो कांग्रेस की भी है। चंडीगढ़ में पंजाब में सियासी दल बदल का सिलसिला आज भी जारी रहेगा और आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं कई दूसरी पार्टियों के नेता। अब से कुछ ही देर में कैप्टन अमरिंदर सिंह मीडिया के सामने आएंगे और पता चलेगा कि कौन कौन से तमाम नेता हैं जो आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कल कांग्रेस के सुखपाल सिंह खहरा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। सुखपाल खहरा के आरोपों का जवाब देंगे आज कैप्टन। कई दूसरे नेता आज कांग्रेस में शामिल होंगे। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आएगा कि कौन कौन से नेता आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दल बदल का सिलसिला जोर शोर से चल रहा है 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले और दल बदल के लिए भी बिगुल बज चुका है। सुखपाल सिंह खहरा आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं और आज कांग्रेस में कई और नेता शामिल हो सकते हैं। जगतार भुल्लर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं। जगतार, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में थोड़ी देरी है लेकिन आपको कोई जानकारी मिली है कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं आज कांग्रेस में? शर्मा बताना चाहूंगा, कुछ तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक मेंबर है मुक्तसर से, उसका नाम चल रहा है कि वो शामिल हो सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता कुछ शामिल हो सकते हैं, तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बड़े कह सकते हैं सत्र पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, काफी लोग शामिल होने की उम्मीद है। और उसके बाद उन्होंने जितने भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरशिप है, तमाम बड़े नेता, वो एक मीटिंग करने जा रहे हैं कि कल फतेहगढ़ साहब में जो कांग्रेस पार्टी की कॉन्फ्रेंस होगी उसको लेके वो मीटिंग करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ एक तो जो नए लोग शामिल हो रहे, साथ के साथ जो सुखपाल सिंह खहरा जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उन पर काफी हमले किए थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बूढ़े, इसको लेकर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सुखपाल सिंह खहरा के खिलाफ कह सके तीखे प्रहार कर सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रहार करेंगे लेकिन कैप्टन से ये सवाल भी पूछा जाएगा कि आपके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, खहरा से पहले सीडी कंबोज भी थे। अब बिल्कुल लाजमी ऐसे सवाल जरूर उठेंगे कि आपके आपको बागडोर संभाली, आपने मीटिंग की, आप कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन इसके बावजूद जो आप कह रहे हो दावे कर रहे हो उसके उल्ट जो कांग्रेस के जो लीडर है चाहे उसमें सीडी कंबोज हो चाहे सुखपाल सिंह खहरा, ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये आज प्रेस वार्ता का हिस्सा हो गए और लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी तैयारी करके आए होंगे जिस हिसाब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे, फिलहाल शुक्रिया। तो कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आपको चंडीगढ़ सीधा लाइव लेकर चलेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सुखपाल सिंह खहरा के आम आदमी पार्टी में शामिल होते ही सियासी प्रतिक्रियाएं जो हैं मिल रही हैं कल से, और साथ ही खहरा की तरफ से लगाए गए आरोपों पर वार पलटवार का दौर भी जारी है।
आम आदमी पार्टी में सुखपाल खेरा की एंट्री और कांग्रेस के कप्तान अमरिंदर सिंह और लाल सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले खेरा को प्रदेश कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। पंजाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष लाल सिंह ने बयान जारी करके खेरा से पूछा है कि आखिर कैप्टन के कमान संभालने के बाद ही खेरा को कांग्रेस में बुराइयां नजर क्यों आने लगी हैं। लाल सिंह ने खेरा द्वारा अपने ऊपर भ्रष्टाचार के लगाए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया था। लाल सिंह ने गलत आरोप लगाने पर खेरा पर केस करने की बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, खेरा के कैप्टन की अगुवाई में दो बार कांग्रेस को मिली हार का जवाब भी लाल सिंह ने दिया। लाल सिंह ने कहा कि खेरा को जनता ने खुद तीन बार नकार दिया है। आप में शामिल होते ही खेरा ने अकाली दल और कांग्रेस दोनों पर मिलीभुगत का आरोप लगाया, तो अकाली दल ने भी खेरा को जल्द ही जवाब भी दे दिया। असी जाइए ते तुसी आ जाओ, तुसी जाओगे तो असी आ जाएंगे, ना तुसी साडा कुछ करियो ते ना असी तुहाडा कुछ करांगे। तुसी दसो मैनूं जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केस बिल्ड कीता सी विजिलेंस दा, डिसप्रोपोर्शनेट असैट्स दा अगेंस्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह, वेयर इज इट? कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खिलाफ एक बारी बादल ने 2008 विजिलेंस ने कीता सी डिसप्रोपोर्शनेट असैट्स दा, वो कल्ली FIR ही रह गई। जे फ्रेंडली मैच दी गल करदे आ तो फिर यही दसण कि ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सज्जी मार है, जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री सी कि उदों भी फ्रेंडली मैच चल रहा सी। और दूसरे पासे हुण जिन्ना चिर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपोजिशन के लीडर रहे ने उदों भी उन्होंने नेड़े सीगे, तो उदों भी फ्रेंडली मैच चल रहे सी। उस फ्रेंडली मैच के विच किहड़ी धिर दा इस स्पोक्समैन रहे ने? वार पलटवार होने तो लाजमी है, साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रम भी आने लगे हैं। खेरा की पुरानी पार्टी के मुताबिक वो ज्यादा वक्त तक झाड़ू नहीं संभाल पाएंगे, तो विरोधी पार्टियों के मुताबिक कोई भी किसी भी पार्टी में जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जेड़े दूसरे लीडर है उन्होंने नालों सीधा मेन कुर्सी नू देखदा, इस करके वो अपनी सोच दे नाल आम आदमी पार्टी जा रहा, तो कांग्रेस नू उहदे नाल कोई खास फर्क नहीं पैण वाला। खड़ना सी भावें कांग्रेस नहीं खड़ जाता भावें आम आदमी, साडा बीबी जगीर कौर कहिंदे कोई खड़ा हो जाए ते ओ उन्हें जितने जितने ते अपना अपना फिर माने है जी गल है जिन्हू कित्थे लगदा उहदा अगे फ्यूचर नहीं हैगा कांग्रेस ते उहदे चल गया। मैं इहदे च नहीं कुछ कहना चाहुंदा, इह उन्हां पार्टियां दा आपसी मैटर है ते इहदे तों ते लगदा ही है कि सिद्धा सिद्धा ते फिर इक गल ते सामने आउंदी है कि कांग्रेस दा बहुत वड्डा फेलियर है इहदे च। चुनाव के मौसम के दौरान राजनीतिक नेताओं का इधर उधर जाना लगा रहता है। अब देखना होगा कि नई पार्टी में खेरा कैसे एडजस्ट होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह का दावा है कि सूबे में उनकी पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चौंकाने वाला प्रदर्शन करेगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। शेरगिल जी जो हमारे लीगल सेल के हेड है। पंजाब के आम आदमी पार्टी प्रभारी संजय सिंह ने दावा किया है कि पार्टी को सूबे में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन करेगी। उनकी माने तो आम आदमी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीतकर दिल्ली का इतिहास दोहराएगी। अपने साधन लगा के हमारी रैलियों में जो जन भागीदारी हो रही है वो ऐतिहासिक है। आप जब बक्सा खुलेगा 2017 में तो देखिएगा 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा कौन कौन सी सीट कैसे जीत रहे हैं हम लोग। बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर भी संजय सिंह ने रुख साफ किया। उनके मुताबिक पार्टी का अनुशासन भंग करने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई है, इससे केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण कोई निकाला या रखा नहीं गया, बल्कि पार्टी के न्यूनतम अनुशासन को भी ना मानकर जो लोग बाहर जाके पार्टी के खिलाफ बोलते रहे उन पे हमने कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपना कुनबा बढ़ा रही है, जबकि कांग्रेस के कैप्टन आम आदमी पार्टी को चुनौती मानने से इनकार कर चुके हैं। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधा आपको चंडीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। दल बदल का सिलसिला आज भी चलेगा। सॉरी, थोनू सारयां नूं इत्थे सद्या है पर चढ़ना पिया थोनू उत्थे जगह, हुण थोनू सानूं वड्डी बनाउणी पई थोड़ी नीचे। इट्स बिकम टू स्मॉल, प्रेस इज नॉट टू मच। वी वर थिंकिंग कि बीम पा के रोड के थोड़ा उधर लग जाए। ठीक है,
कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और आज कांग्रेस में कई नेता शामिल हो सकते हैं। कुछ नाम है शिरोमणि अकाली दल के भी और SGPC के भी नाम बताए जा रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी जगतार भुल्लर ने बताया। और मंच पर इस वक्त आप देख रहे हैं जगमीत बराड़, मनीष तिवारी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता एक मंच पर इकट्ठे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये भी कभी कभार जो देखने को मिलती हैं कांग्रेस में, दूरियां जो हैं अब भी कई बड़े नेताओं की हैं। पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह दूलो वो भी जो है किसी न किसी विवाद को लेकर सामने आते हैं, और भी कई नेता हैं। खैरा साहब जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए। जगमीत बराड़ आपको याद होगा, ये भी एक बयान की वजह से कांग्रेस से दूरियां हो गई थी, फिर उसके बाद फिर से ये वापस आ गए हैं कांग्रेस में। तो इस तरीके की उथल पुथल कांग्रेस में लगातार चल रही है, लेकिन आज कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस PC के जरिए वो कई नेताओं को शामिल करने जा रहे हैं कांग्रेस में। साढ़े आज कई दोस्त कई सज्जन वक्त बहुत सारे पार्टी शामिल हो रहे हैं और उन्होंने लिस्टा जो बन रही ने नीचे और कुछ तक पहुँच गए कुछ पहुँचने वाले हैं। So when they come, we will talk about that. इस वेले का अपनी पिछे जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। So there is nothing specific to say except के कल एक साढ़े नाल अनफॉर्चुनेटली वाकयात होया। When one of our colleagues left us. सुनील प्लीज कुर्सी। कम सच सो मैं कह रहा सी कि एक साढ़े नाल वन ऑफ आर कलीग्स लेफ्ट अस, आई हैव नथिंग टू से अबाउट दैट अदर दैन द फैक्ट के उन्होंने फादर और मैं असी कलीग्स रहे, वी वर गुड फ्रेंड्स एंड सुखपाल वाज लाइक माई ओन सन। यार आवाज कम आ रही है। पॉलिटिक्स दे विच ये गल्लां हो जांदियां ने एंड शायद वो क्योंकि अपने तीन बार अपनी सीट हार गए तो शायद समझे से कि उधर जाके मैं शायद जीत जाऊँ। सो दैट इज़ एवरीवन्स चॉइस एंड उन्होंने वो चॉइस बना लेती है। एज फार एज ओनली वन थिंग आई विल से इज अ लिटिल बिट ऑफ इनकंसिस्टेंसी कि कल जो आज छपिया अखबार च क्या कुछ होर, अज तो तीन हफ्ते पहला क्या कुछ होर, वो कागज यू विल सी हिज स्टेटमेंट ऑफ थ्री व्हेन आई टेक ओवर, वो तो मैनू लाल सिंह जी ने अंबिका जी ने सारे वेलकम किया कि ना उनकी पार्टी विल बी गैल्वनाइज्ड असीं जितांगे और तीन हफ्तों बाद उन्होंने व्यूज बदल गए। तो दैट इज पॉलिटिक्स। अदरवाइज आई एज आई सेड के आई हैव नोन हिम एंड हिज फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी हैव बीन कलीग्स and he is, as I said, like my son, so I'm not going to say anything more about that. There are some things jariyan law and order diyan vich main kehna chahunda. Ek ta dekho, there is an incident of youngster jinna diyan kalna kattiyan nahiyan, police case is registered in November, aj tak FIR complaint was made in November, aj tak there is no police case being registered. So is kisam na law and order agar ithe chalda rahe, it is a very unfortunate thing. As it is Punjab is law and order di problem karke aur eh je masle karke dabya hoya and the government is taking no action. Now where there are
cases where legs have been cut off. Abohar wala tha Sunil ji knows better. Eh ji ek itte eh hoya. This is, you see here, itte tanga kat ke sitthi hoyan ne, and our tanga limbs are cut and thrown. Chima mandi. Hello. You are asking the place, Chima Mandi. Chima Mandi ji, Chima Mandi. Ye hoya November ch. Aur apa hai? Chabi 11. Aur hun apa pahunch gaye January ch. Still no cases been registered. Now it's a very unfortunate thing that three boys in one day this should happen. So, मेरा मतलब कहने का है कि law and order is a bad situation. You've seen what has happened in Abohar. जिस तरीके नाल बंदियां दे बाहां टंगा कट के और सॉरी डिटेल दे रहे डिटेल दा गिविंग अप ही विल ब्रिंग अदर डिटेल्स आर कमिंग पर और कट के उस तो बाद देयर इज अनदर बॉय हु वाज विद हिम गुरजन सिंह ही इज आल्सो हिज limbs were cut. He is still in. I hope he is in hospital better. He is in the hospital. But any improvement? This incident is 26th of November. Chima. This is legs. They came into a rotavator. Rotavator, the which one of the barriers is. Or Tinnabandhya. But the ones that were killed in Abohar, I think already Sunil ji is very, very well on record. And then as some of the Syawai to the press, it's come out many times. We will ask him to give all the details. These names, yes, apne naam rakha hoga. Huni kar rahe hain apne. It will come to me, I will give it to you just now. Huni mein aude saar is hall ch mainu ye file ditti gayi si, and we are just getting the details on this. But the Abohar incident tusi jaande ho, so dono incidents are very much publicized. So hoge the whatever else you want, I think Sunil ji is the best person to answer that. Jithe tai other things which I wanted to mention, this incident of trying to gag the press. I'm not saying that because tusi ore baithe ho. I'm referring to Kamar Sandhu's case, in which attempts are being made to register a case against him to get after all tusi sare journalists ho. It is your duty to do investigation, and if you do an investigation and you find something and you do it in this manner and you publish as it, then you grab the fellow and try to, now a case, they are trying to make a case out to prosecute him, arrest him in fact. And I think this is something that we will not accept, that this is a free press, this is a free country, everyone has every right to say what they want, and I don't think anyone has a right to take on a journalist like this. And a senior journalist at that, who's been in this for ever since I know, for 30 years, since he was with India Today, and try to browbeat him into being quiet or threaten him, or actually he is feeling that he may be arrested. So AH is the appa nu. We want this government to understand that this party will not allow that to happen. You write against us, that's your duty, that's your profession, and you are absolutely at liberty to do so. You write for us or for them or against them, that's your duty. But you can't try to stranglehold people. And the investigations which we've been asking for so long, police corruption, police investigations, nothing is happening. I'm talking about earlier incidents of Bargadi and all that. So this is something which is going totally out of control. Brahm Sahib has been down in that area much more. He's down village to village. I went only to Bembal Kala and to Bargadi, but he has been to
done more villages to in that area. So, you know, it's very unfortunate that this is the case and this government is completely silent. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਛ ਦੇ ਨੋ ਕੇਅਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਸੋ ਟਿਲ ਵੀ ਵੇਟ ਫੋਰ ਦੀ ਅਦਰਸ ਟੂ ਕਮ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਅੱਛਾ ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਨੋ ਨਥਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸਾਡੇ ਜੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਆਫ The circle in charge and his workers of Aam Aadmi Party from Sugrur. There are 21 of them who have joined us today. So, where are you? Kithe ho ji tusi sare Sugrur aale? Sugrur aale. Aam Aadmi wale. Piche ne. All youngsters. Sorry. Then we have, I think, tusi sare, you can see, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 22 ਬੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਊ ਦੈਨ ਐਸ ਏ ਡੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਐਂਡ 31 ਆਫ ਹਿਸ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸ ਏ ਡੀ ਹੈਵ ਜੁਆਇੰਡ ਅਸ ਟੂਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਕਸੀ ਐਸ ਏ ਡੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਠੀਕ ਆਜੋ ਮਗਰ ਆ ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਦਸ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਰੋ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਗਮੀਰਵਾਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਲਕਾ ਸਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਸੈਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ
और घटोघट 29-30 साल पार्टी ले काम किया है, परंतु आज बड़े ही दुखदार कहना पड़ रहा है कि वो लोग जेड़े सानू पंथ का वास्ता पा के कदे कोई झूठे नारे ला के सानू वरतते रहे, परंतु अज तुहाडे सारे दे सामने उन्हां पंथ रखवालियां का चेहरा नंगा हो गया और किस तरह पंजाब दे विच बेअदबी हो रही है सिख कौम की, खास करके साडे उस महान ग्रंथ की, और इथों तक भी कई तरह दियां बहुत गलत अफवाह फैला के पंजाब का माहौल खराब करन दियां गल्लां हो रही हैं। अज मैं एक बधाई दिना कांग्रेस पार्टी दे उस महान साडे प्रधान हिंदुस्तान दे कि उन्होंने एक अजिहा फैसला लेके उस शख्सियत नूं जो कहिंदे घट ने ते करके वध विखाउंदे ने अज दे हालात, क्योंकि मैं एक किसान हां, अज रोज तुसीं देखदे हो कि अखबार दे मूहरले पेज दे उत्ते रोज किते ना किते कोई सुसाइड दी किसानां दी घटना आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अज भी पहला किसान मंडियां दे विच रुलिया, अज भी मेरे नाल आड़ती है वीर भी आए ने साबका प्रधान दलजीत सिंह पिट्टू हो रही, और अज भी अदायगियां नहीं हो रही, व्यापारी भी लमक रहा है, किसान नूं पैसा नहीं मिल रहा, मजदूर नूं पैसा नहीं मिल रहा, जबकि मजदूर नूं उहदी मजदूरी पसीना सुकण तों पहलां मिलनी चाहीदी है, और साडे ट्रक आपरेटर वीरां नूं उहनां नूं भी कोई पेमेंट नहीं हो रही। और मैं बेनती भी करदा महाराज साहब अगे कि जरूर इहते नोट्स लै के जो बनदियां कारवाइयां ने उहनां नूं जरूर करवाया जावे, नहीं किसान बहुत निकल रहा है। असी कोई फैसला एवं नहीं लिया, कैप्टन साहब ने राज दे विच बेशक असी अकाली दल दे विच सी, इन्हां ने जेकर कोई गल स्टैंड लिया अपनी कुर्सी की परवाह नहीं की, बेशक वह पानी के मसले सी, बेशक बिजली सी, शहरां दे एसी बंद करा के किसानां नूं 8 घंटे निर्विघन बिजली दी, इसलिए लोग अज जाणू हो चुके फोके भाषणा तक नहीं सीमत। इसलिए मैं बेनती करता कि असी अज बहुत अपने आप नूं बड़भागा समझदे हां कि कैप्टन साहब ने सानू अपने चरणों के अपनी उस पार्टी के जगह दे के, और असी विश्वास दिवाने कि असी इन्हां नूं जो भी साडी ड्यूटी लाउंगे असी उही करके विखावांगे, क्योंकि अज दिन भी वह महान है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में यहां पर शिरोमणि अकाली दल के एसजीपीसी मेंबर जो हैं, माफ कीजिएगा, शिरोमणि अकाली दल के नुमाइंदे और एसजीपीसी के मौजूदा सदस्य जो हैं इंदर मोहन सिंह, वो पार्टी में शामिल हो गए हैं कांग्रेस में, और इसके अलावा संगरूर से आम आदमी पार्टी के वर्कर भी हैं, 20 की संख्या बताई जा रही है जो आम आदमी पार्टी से वर्कर कांग्रेस में आ रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कई लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पंजाब में अमन और तरक्की के लिए लुधियाना में कांग्रेस ने पदयात्रा की, और इस पदयात्रा की अगुवाई कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने की। इस दौरान बिट्टू ने सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे बापू सूरत सिंह खालसा का विरोध किया। लुधियाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। इस मौके पर बिट्टू ने कहा कि यात्रा का मकसद पंजाब में अमन और तरक्की के लिए प्रार्थना करना था। जलने जैसा माहौल पंजाब में बना है,
वो माहौल आने वाले साल में ऐसा ना हो, हम आप शांति से रहें, प्यार से रहें, हमारा पंजाब दोबारा देश का नंबर वन सूबा बने, उसके लिए हम चारों जगह ये जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई का भी विरोध किया है। उन्होंने बापू सूरज सिंह खालसा को भी इस मामले को लेकर सलाह दी। उसे जो कानून ने सजा दी है, सजा वो पूरी होनी चाहिए, उसकी बिल्कुल कहीं रिहाई नहीं होनी चाहिए। और मेरा इसमें भी सूरज सिंह जी भी से हमेशा ये रहा है, वो भी ये डरा के धमका के क्रिमिनल लोगों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। सांसद साहब तो पदयात्रा करके निकल गए, लेकिन आम लोगों को इसकी वजह से ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। मेवात इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है, जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मेवात में करीब 72,000 आधार कार्ड गलत पाए गए हैं, लेकिन विभाग इसे मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में लोगों को किसी भी तरह की जरूरत या सरकारी योजना का लाभ उठाने में दिक्कत पेश आ रही है। मेवात जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा आधार कार्ड में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गड़बड़ी के आरोप एक या दो नहीं बल्कि 72,000 आधार कार्ड में लगे हैं। ये खुलासा तब हुआ जब आधार कार्ड को बैंक या राशन कार्ड से जोड़ने की कवायद चल रही थी, लेकिन विभाग को इसमें गड़बड़ी नहीं सिर्फ तकनीकी चूक नजर आ रही है। तो लाभार्थी का जहां तक प्रश्न है, लाभार्थी की गलत नहीं है, ये सिर्फ गलती क्लैरिकल कंप्यूटर मिस्टेक या डुप्लीकेसी की हो सकती है। ये क्लैरिकल मिस्टेक जो है सिस्टम ने पॉइंट आउट करके हमें दिया है और ये पूरे 72,000 डाटा पूरे डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। नियंत्रक सुरेंद्र सैनी के मुताबिक आधार फीडिंग में गड़बड़झाला नहीं हुआ है। सुरेंद्र सैनी के मुताबिक इन्फॉर्मेशन फीडिंग के समय या तो आधार नंबर गलत लिख दिए गए हैं या फिर नाम गलत लिख दिया गया है। जिले में करीब 5,00,000 परिवारों के राशन कार्ड जैसे जरूरी कागजात आधार कार्ड से जोड़े जा रहे हैं। विभाग की कोशिश है कि इन त्रुटियों को जल्द दुरुस्त किया जाए। हम तत्पर हैं, इसको सही करेंगे, सीधा करेंगे, करेक्ट करेंगे। ऑनलाइन का सिस्टम ही मतलब ये है डिपार्टमेंट का कि डुप्लीकेसी ना हो, फ्रॉड ना हो, को गलत बेनिफिशियरी ना हो, इसका पर्पज ही वही है। और डुप्लीकेसी और फ्रॉड को सही करने के लिए, उसको रोकने के लिए तो ऑनलाइन सिस्टम किया गया है। आज की तारीख में आधार कार्ड हर जरूरत के लिए महत्वपूर्ण पहचान पत्र है, लेकिन मेवात में आधार कार्ड में गड़बड़ी का खुलासा विभाग की गैर जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। हालांकि खामियों को जल्द दूर करने का भरोसा जरूर मिला है, लेकिन देखना होगा कि लोगों को उनका जरूरी आधार कार्ड कब तक मिल पाता है। अनिल मोहनिया, जी मीडिया, मेवात। हरियाणा के किसान इन दिनों ठंड और कोहरे की वजह से परेशान है। इस मौसम में हरी सब्जियों की फसलों पर पाले की मार पड़ रही है, जिससे किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए देसी उपाय तो कर रहा है, लेकिन इन्हें सरकार से मदद की दरकार है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को तो प्रभावित किया ही है, ठंड की मार अब सब्जियों की फसलों पर भी पड़ने लगी है। किसान अपनी फसल को पाला से बचाने के लिए तिरपाल और पॉलिथीन का सहारा लेने के साथ ही आग जलाकर सब्जी की फसल के पास धुआं कर रहे हैं, ताकि इन्हें खराब होने से बचाया जा सके। पराली ला रहे हैं, पराली लाने हैं, लेकिन उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है सानू, इस करके असी पोलोथीन ला रहे हैं, जो कि 20-25,000 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आ रहा है सानू जी। आने वाले समय वास्ते, अगले साल वास्ते गोभी का बीज ला रखा है, उससे भी पाले का बहुत असर है, उसनों फुल तो लगे, उस तो बाद जो फलियाँ लगन लगियाँ तो कोहरा ज़्यादा होने करके वो फुल चढ़ गए। किसानों का कहना है कि सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए जिस पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर एक एकड़ जमीन को ढकने के लिए 25,000 से 30,000 रुपए का खर्च आता है, जिसे खरीदने के लिए उन्हें पंजाब जाना पड़ता है। वहीं सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि हरियाणा सरकार इस पॉलिथीन पर 30,000 रुपए तक की अनुदान राशि दे रही है। जिसे बचाने के लिए आप पराली से धुआं कर सकते हैं और हल्का पानी दे सकते हैं, और हरियाणा सरकार ने आजकल इसके ऊपर अनुदान रखा है। इसमें पॉलिथीन सीट लगा सकते हैं ऊपर, उसको लोटन बोलते हैं, तो उस पर सरकार 30 स्क्वायर मीटर के हिसाब से 1,000 स्क्वायर तक पर किसान को अनुदान दिया जा रहा है। तापमान में लगातार गिरावट और कोहरे की वजह से खीरा, गोभी, मटर, मिर्च, आलू और प्याज जैसी हरी सब्जियां पाला लगने से जल्दी खराब हो जाती हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन किसानों की मदद के लिए कुछ और बेहतर प्रयास किए जाएं। धर्मेंद्र गोस्वामी, जी मीडिया, फतेहाबाद। फतेहगढ़ साहिब में आज से शहीदी जोड़ मेल का आगाज हो चुका है। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत को समर्पित शहीदी जोड़ मेल 28 दिसंबर तक चलेगा। देश विदेश से श्रद्धालु
फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक होने के लिए आते हैं और इस बार उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। फतेहगढ़ साहिब में छोटे साहिबजादों की याद में मनाया जाने वाला शहीदी जोड़ मेल शुरू हो चुका है। 28 दिसंबर तक चलने वाले इस जोड़ मेल में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके मद्देनजर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तमाम पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत पेश ना आए। उन्होंने खान पीन की लंगर का प्रबंध, उन्होंने मेडिकल सहूलत, उन्होंने फ्री लिटरेचर की सहूलत, इस जो रहायशी आसी वो तो सहूलत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस जोड़ मेल से पहले ही श्रद्धालुओं का यहां पहुंचना लगातार जारी है। अभिभावकों की तरफ से अपने बच्चों को इस मुकद्दस धरती पर दर्शनों के लिए खास तौर पर लाया जा रहा है और यहां के इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। छोटे साहिबजादों की कुर्बानी को याद करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। गुरु पातशाह जी चरण तोड़ सानू मिले, साढ़े चार साहबजादे, साढ़े इतिहास सानू, साढ़े बच्चे जाणू रहन हमेशा। छुट्टियां होनियां हुण, विंटर्स वेकेशन होनियां, मैं बच्चों जरूर लेके आना ते अपने इतिहास तो जाणू करान ताकि बच्चे भी अको गुरसिक्खी च पक्के हो सकन। जोड़ मेला जी गुरु साहब दे बच्चों की शहादत का पवित्र स्थान है, इत्थे आ के सानू बहुत अच्छा लगता, अपने बच्चों भी नाल लैके आया ताकि उन्होंने शहादत का पता चले। अजकल की पीढ़ी जी बड़ी पिछे जा रही है। श्रद्धालुओं की बड़ी गिनती को लेकर प्रशासन ने यहां पर पुख्ता प्रबंध किए हैं, आवाजाही की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। टोटल 20 जिहड़े 20 नंबर दियां असी पार्किंग्स शहर दे सारे कोने च बनाई हैगियां, बिल्कुल फ्री पार्किंग होवेगी, फ्री जिहड़ियां हैगियां बस सर्विस भी लाई है शहर दे विच। सो मेरा समझना है कि ऐतकी बिना किसी प्रॉब्लम दे शहीदी जोड़ मेल संपन्न होगा। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, अहम जगहों की निगरानी के लिए 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा चेक पोस्ट, पुलिस सहायता केंद्र और पेट्रोलिंग पार्टियां भी बनाई गई हैं। 11 मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पार्टियां ने, 9 साड़ियां घोड़सवार पेट्रोलिंग पार्टियां ने, इस तो अलावा साड़ियां 9 ऑब्जरवेशन पोस्ट ने। ये सारे इंतजाम करने वास्ते सानू करीब 3500 मुलाजम इत्थे जिहड़े हैगे ने ड्यूटी देणगे इंक्लूडिंग ऑफिसर्स। 28 दिसंबर तक चलने वाले इस जोड़ मेल की वजह से पूरा शहर धार्मिक रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धालु भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा है। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। और बड़ी खबर है इस वक्त सोनीपत से, यहाँ पर मुरथल में कार एक्सीडेंट में 23 साल की युवती की मौत हो गई है। कार में युवती के साथ 3 लड़के मौजूद थे और 2 लड़के फरार हो गए। राजेश खत्री हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। राजेश, क्या ये पूरा मामला, कैसे हुई ये हादसा? जी बिल्कुल, दिल्ली के रोनी से एक लड़की और 4 लड़के जो 2 अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर यहाँ मुरथल आए, तो यहाँ पर गाड़ी जो है सड़क दुर्घटना हो गई, उसमें लड़की की मौत हो गई। तो यहाँ पर परिजन पहुंचे हैं अभी मौके पर, तो उन्होंने बताया कि लड़की का बाकायदा अपहरण करके उसे यहाँ लाया गया और ये सड़क दुर्घटना में जो बाकी लड़के थे उनको तो चोट नहीं आई और 2 लड़के फरार भी हो गए हैं। जी, अपहरण का ये मामला आप बता रहे हैं, शुरुआती जानकारी दे रहे हैं, आप इस मामले पर नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए दोबारा लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।